आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम एक फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये गीज़र लगा हुआ है, इसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं, गैस का भी कनेक्शन कर दिया है और गैस को हमने ऑन कर दिया दोस्तों। और इसमें फॉल्ट ये है कि जब इस गीज़र को ऑन करते हैं तो आग एक बार तो जलती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो हम देखेंगे, हमने यहाँ से पानी को खोल दिया है, ये देखिए बंद कर दिया। जैसे ही आग जलती है तुरंत ही बंद हो जाती है। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं गीजर को ऑन करेंगे हम, आग जल के तुरंत बंद हो जाती है। तो इस फॉल्ट को हम फाइंड करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस गीजर को खोल लेंगे, इसका ऊपर वाला ढक्कन को उतार लेंगे। तो दोस्तों ये हमने गीज़र को नीचे उतार लिया है। सबसे पहले हम जब गीज़र को खोलते हैं तो इसकी नोब को पहले बाहर निकालते हैं। ये दोस्तों नोब लूज़ है, इसलिए आराम से निकल रही है। अगर ये आराम से ना निकले तो आप पेचकस की मदद से इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, अगर नोब टाइट हो तो। इस पे दोस्तों स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को हमने खोल दिया है और बाकी स्क्रू ऊपर वाली साइड में लगे हुए हैं, इनको भी हम खोल देंगे। तो ये दोस्तों हमने स्क्रू को खोल दिया है। जब भी दोस्तों आप गीजर को उठाएं तो आगे से हमेशा पहले उठाएं, पीछे से बाद में, क्योंकि पीछे कई बार वायरिंग होती है, तो आप ध्यान से देखकर ही उठाएं इसको। तो ये दोस्तों हमारा गीज़र जो है खुल गया है। दोस्तों ऐसा फॉल्ट आए जब गैस एक बार ऑन होके बंद हो जाए तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसकी थर्मोस्टेट। सबसे पहले इसकी जहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगी होती है, ये वाली दोस्तों, इस पे हम दोस्तों कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। इस पे दो थिम्बल लगी हैं, इन थिम्बल को हम बाहर निकाल लेंगे। इस पे इन दोनों पॉइंट्स पे दोस्तों हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब हम दोस्तों कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि कंटिन्यूटी आ रही है, हमारी ये थर्मोस्टेट बिल्कुल ओके है। तब हम इसके बाद क्या फॉल्ट होगा, या तो ये कॉइल ख़राब होगी या फिर ये हमारी मेन जो डब्बी है वही ख़राब होगी। तो पहले हम दोस्तों इसको चेंज करके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें फॉल्ट है या इसमें फॉल्ट है। इसको दोस्तों चेंज करके चेक करना पड़ता है, ऐसे चेक नहीं हो पाता। तो चलिए दोस्तों हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले इस पे दोस्तों दो स्क्रू लगे होते हैं, आप देख सकते हैं, एक स्क्रू दोस्तों यहाँ पे लगा है और एक स्क्रू इधर लगा है। दोनों को हम खोलेंगे। इसकी जगह पर दोस्तों हम एक नई कॉइल लगाकर चेक करेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा आराम से देखिएगा ताकि पूरी डिटेल में आपको समय लग सके। ये हमारे पास एक नई कॉइल है, अगर आप ये कॉइल मंगवाना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये वाले पार्ट्स होते हैं लगाकर ही चेक होते हैं, बिना लगाए इसको हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बारी तो ऑन हो रहा है, दूसरी बार ऑफ हो जा रहा है।
नीचे दोस्तों इसके रबड़ होती है, उसको अच्छे से चेक कर लें कि रबड़ अपनी जगह से हिले ना, नहीं तो गैस यहाँ पे लीक होगी। ये दोस्तों अगर आप एक मैकेनिक हो तो आपके पास ये सभी पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि चेकिंग इसकी ऐसे ही होती है। तब इसकी हम वायरिंग को लगा देंगे, सेम टू सेम दोस्तों जैक बने होते हैं तो पहले ही। अब इसको हम चेक करेंगे, थर्मोस्टेट की वायर को पहले लगा दें। अगर थर्मोस्टेट कोई ख़राब होती है तो भी सेम फॉल्ट होता है, इसलिए पहले हम थर्मोस्टेट चेक की थी हमने। अगर थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी ना बोले तो आप थर्मोस्टेट चेंज कर दें, इससे भी आपका फॉल्ट या सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी कॉइल बिल्कुल ओके काम कर रही है, तो एक बार फिर हम वहाँ पे गीज़र लगा के चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट या सॉल्व हो चुका है या नहीं हो चुका। तो दोस्तों हमने गीज़र को वहाँ पे लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन को कर दिया है, गैस को भी हम खोल देंगे। तो अब हम पहले इसमें फॉल्ट था, गैस ऑन होती थी तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती थी, अब दोबारा से हम चेक करेंगे चलाकर इसको। तो आप देख सकते हैं ये रेगुलर जो है चल रहा है, अब इस ये बंद नहीं हो रहा दोस्तों, पहले ये जलता था और तुरंत ही बंद हो जाता था। तो हमने इसका क्या किया, पहले थर्मोस्टेट चेक की, उसके बाद ये कॉइल चेंज की, तो कॉइल चेंज करने से हमारा जो है गीज़र बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको हम देते रहें, तो और साथ में बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लें ताकि पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसकी हम सर्विस के लिए हम एक पहले से वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप सर्विस देखना चाहते हो तो वो वीडियो जाके ढूंढ सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। दोस्तों अगर आप गीज़र के पार्ट्स खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। थैंक यू।